टेस्टी होम फूड में आज हम लोग मिल्क शेक बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। देखिए इस तरीका से ही आप भी अपना मिल्क शेक बनाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बनाना स्टार्ट। एक कस्टर्ड पाउडर है, एक बादाम है जिसको पानी में फुलाने के बाद इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे हम लोग। दूध है, दूध को हम गर्म बैठा देते हैं, तब तक हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी हम केसर डाल देंगे, ये गर्म होगा तब तक हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसका देखिए हम लोग पेस्ट तैयार कर लिए हैं। इसी टाइप का आप पेस्ट तैयार करके रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें पानी ऐड मत करिएगा, बिल्कुल ही सूखा ही टाइप का आप पेस्ट बनाइएगा। चलिए एक चम्मच के करीब एक कस्टर्ड पाउडर है, बहुत ज़्यादा हमको नहीं लेना है, इस चम्मच से एक चम्मच के करीब है। इसको हम पानी से इसका घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें गर्म दूध चाहे गर्म पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो गांठ बन जाएगा आपका। केसर डालने से स्वाद भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। हम इस पेस्ट को अब इस दूध में डालेंगे थोड़ी देर। इसको पकने देंगे इसमें। अब इसमें हम धीरे धीरे करके कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। एक बार में आप मत डालिएगा, नहीं तो गांठ बन जाएगा। हम धीरे धीरे करके ही डालेंगे। इसको थोड़ी देर हमको पकने देना है। इसमें हम दो चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे, आप अपने मीठा के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। देखिए मिल्क शेक बिल्कुल भी अब तैयार है, हम लोग को बहुत गाढ़ा इसको नहीं करना है। देखिए इस आप एक बार ऐसे करके देख सकते हैं, इस टाइप का अगर आपका हो जाए तो आपका बिल्कुल भी तैयार है। अब इसको हम फ्रिज में गैस ऑफ करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। अब हम लोग का बिल्कुल ही मिल्क शेक एकदम तैयार हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम गिलास में डाल लेते हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा बादाम ऐड कर देंगे। थोड़ी सी केसर डाल देंगे। देखिए एक बार आप जरूर बना के ऐसे देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। एक बार आप जरूर बना करके ऐसे ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा।